देश की तमाम ट्रेड यूनियंस ने 28 मार्च और 29 मार्च को देश में भारत बंद बुलाया है, जिसकी वजह से बैंकिंग, यातायात, रेलवे और बिजली की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ये बंद केंद्रीय ट्रेड संघ की एक फोरम ने बुलाया है। ट्रेड यूनियन का कहना है कि ये मोदी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ है जिससे कर्मचारी, किसान और आम लोगों पर गलत असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि हालांकि रोडवेज, ट्रांसपोर्ट और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने इस भारत बंद को अपना खुला समर्थन देने का फैसला किया है। दरअसल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद इतने बड़े पैमाने पर पहली बार हड़ताल है। दावा है कि इस हड़ताल में देश के 20 करोड़ कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। हड़ताल को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि स्थानीय नेटवर्क और कंट्रोल एरिया की करीब से निगरानी की जाए, जिससे बिजली सप्लाई में किसी भी प्रकार की बाधा आने पर अस्पताल, रक्षा और रेलवे की बिजली सप्लाई बराबर चलती रहे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किन कारणों की वजह से भारत बंद बुलाया गया है। इस पर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा, केंद्र सरकार सरकारी बैंकों का निजीकरण बंद करे और उन्हें मजबूत करे। हड़ताल को देखते हुए इस देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा कि हड़ताल की वजह से उसकी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि इस हड़ताल में सिर्फ सरकारी बैंक ही नहीं बल्कि निजी, विदेशी और ग्रामीण और स्थानीय बैंक भी हिस्सा ले सकते हैं। ट्रेड यूनियन की मांग है कि बैड लोन, बैंकों द्वारा जमा राशि पर ऊंची ब्याज दर, ग्राहकों पर कम सर्विस चार्ज और पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की जाए। इसके अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 भी इस हड़ताल में एक बड़ा मुद्दा है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार लोगों के हितों के खिलाफ फैसला ले रही है, जिसमें ईपीएफ की ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया गया है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, मिट्टी का तेल, सीएनजी के दामों में अचानक बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही सरकार अपने मुद्रीकरण कार्यक्रम यानी पीएसयू लैंड बंडल्स को लागू करने के लिए कदम उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन देने का फैसला किया है।